आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताज नगरी की पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी के योगा केंद्र में सामूहिक योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलोनी के लोगों ने योगा केंद्र की छत पर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ताज नगरी की पार्श्वनाथ पंचवटी कॉलोनी के योगा केंद्र में सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलोनी के लोगों ने योगा केंद्र की छत पर योग किया। योग केंद्र परिसर में योग कर रहे पार्श्वनाथ पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने बताया कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंचवटी कॉलोनी में वृहद स्तर पर योगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस साल के कोरोना महामारी को देखते हुए इसे संक्षिप्त रूप में आयोजित किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश विदेश में, क्योंकि आज हम पंचवटी वासियों ने भी, पहले तो बड़े वृद्ध तरीके से हम लोग पार्कों में मनाते थे, लेकिन अब हमने ये योगा केंद्र जो बना हुआ पंचवटी में, उसी में आप देख रहे हैं किस तरीके से ग्रीनरी है। और हमने उसकी छत पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी ये आह्वान था कि भाई छत पे आप योगा करें, क्योंकि ये योगा दिवस जो उन्होंने 21 जून का रखा है, उसमें हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ आस पड़ोस और सबके स्वास्थ्य का भी ख्याल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान योग कर रही कॉलोनी में रहने वाली स्वाति मेहंदी नंदा ने बताया कि योग करने से तन और मन की शक्ति बढ़ती है, इसलिए सभी लोगों को प्रतिदिन 1 घंटे योग करना चाहिए। जी, आज हम सभी मिलकर इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। योग से तन और मन दोनों की शक्ति बढ़ती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। वहीं पंचवटी कॉलोनी पार्क में भी वृद्धजनों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया। इस दौरान कॉलोनी में रहने वाले वृद्धजनों ने सामूहिक योग क्रियाओं को किया। इस दौरान कॉलोनी में रहने वाले अनूप खरे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचवटी कॉलोनी में वृहद स्तर पर मनाया जाता रहा है। इस बार कोरोना वायरस के चलते इसे सीमित करते हुए छोटे स्तर पर किया गया है। वैसे तो योग हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग हमारा मानसिक शांति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हर हित के लिए हमारे लिए जरूरी ही है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचवटी परिवार में, वैसे तो सब लोगों ने अपनी अपनी छत पर योग दिवस का मनाया ही है, लेकिन हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से अपने पंचवटी परिवार ने आज यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड के प्रकोप को देखकर मास्क वास्क लगाकर और अपना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पर भी अपना हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपने योग का आयोजन किया। हम सभी कॉलोनी के निवासी मिलकर के गार्डन में रोज योग करते हैं, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण विशेष रूप से सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और सबने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क और समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहने की अपील की, जिससे कोरोना को हराया जा सके। अजय बहादुर, सी न्यूज़ आगरा।